क्या राजधानी दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? ओमिक्रोन और डेल्टा के डबल अटैक के बीच दिल्ली में संक्रमित मरीजों की रफ्तार डरा रही है। बीते 48 घंटे में आए कुल मामलों में 84% नए केस नए वेरिएंट यानी ओमिक्रोन के हैं। देखिएगा, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर ओमिक्रोन ही रहता है तो जल्दी जितने भी देशों में आया है, जैसे साउथ अफ्रीका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर बहुत ही तेजी से फैला और बहुत ही तेजी से डाउन जाने लगा। तो अभी दिल्ली में क्या आ सकता है? देखिएगा, मैं दो दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रोन के थे। 84%। अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी को 3,194 नए केस आए, 2 जनवरी को 4,100 नए केस, जबकि 3 जनवरी को 4,099 नए केस। भले ही दिल्ली में संक्रमण का दर 6.46% पहुंच गया हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमित मरीजों में हल्के फुल्के लक्षण ही पाए गए, यानी दूसरी लहर की तरह इस बार मरीजों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डेली केसेस 2,500-3,000 क्रॉस कर रहे हैं, तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेस हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। ये दूसरा मौका है जब दिल्ली में 7 महीने बाद लगातार 2 दिनों तक 4,000 से ज्यादा केस आए। सवाल यह है कि आने वाले दिन क्या दिल्ली पर भारी है? घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं, और जल्दी दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रोन कहते हैं, इसको भी जल्दी हराएंगे। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि भाई बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ज्यादातर संक्रमित घर पर ही हैं, ठीक हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मास्क और 2 गज की दूरी ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली से पंकज जैन, आज तक।